सर्वप्रथम तो परम श्रद्धेय पूजनीय गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात कीर्तन के इस महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए पधारे समस्त कीर्तनकार बंधुओं का हालांकि चले गए हैं, लेकिन जो हैं काफ़ी हैं। बड़े भाई देवेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई शंभु हलचल जी बैठे हुए हैं, बहन क्रांतिमाला जी बैठी हैं, सभी को हृदय से प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूँ। आइएगा, एक छोटा सा गीत अपनी ओर से रख रहा हूँ, सुनेगा। सभा मध्य कुछ कह सकूं तो दे दो थोड़ा ज्ञान। जय हो। पढ़े भैया धुनाई सुनेगा। अरे रवि को लो मंगा शादियाँ दुआबा और शादियाँ दुआबा तेनु जी सोनिए, शादियाँ दुआबा तेनु जी एक सोच रख रहा हूं। हमारे बड़े भैया शंभु हलचल जी कह रहे थे कि आपकी सोच अच्छी है, एक सुनिएगा गीत, अगर सोच अच्छी लग जाए तो फिर आशीर्वाद की कामना करूंगा, सुनिएगा। कहते हैं इस देश में ऐसी ऐसी पुण्यात्माएं हैं
जिनकी बदौलत यह देश टिका हुआ है। कुछ लोगों का मैं यहां पर वर्णन कर रहा हूं, सुनिएगा। दुनिया भर में उस दम हाहाकार कब कब पूज्य अटल की गिर गई जब एक मत से सरकार एक मत से सरकार गिर जाती है अटल जी की। वो पत्रकार पूछते हैं आपकी सरकार गिर गई अब क्या होगा, सुनिएगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे पुण्यात्मा हमारी भारत में हुए, सुनिएगा कहा अटल जी ने। कई सरकारें सरगम आएगी जाएगी जी ने कहा इस देश में ये तो चलता रहेगा। कई सरकारें सरगम आएगी जाएगी लेकिन अटल सत्य को एक दिन दुनिया जान जाएगी। वास्तव में झूठ बेचकर आज तक शासन कौन करता रहा, राज कौन करता रहा, देश को बेचकर ये जनता समझने लगी है। और वो वक्त दूर नहीं जब एक दिन ऐसी सरकार इस देश में बनेगी उसको कोई उखाड़ने वाला नहीं होगा, सुनिएगा। सरकारें सरगम आएगी जाएगी पर अटल सत्य एक दिन दुनिया ये जान जाएगी। जब जान जाएगी तब सरकार बनेगी, तब तक हमें सरकार बनने और बिगड़ने का कोई डर नहीं है। क्यों? अरे जुल्म सितम हम क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देश रहना चाहिए हम रहे ना रहे। ये है ये। हमारे परमादरणीय बड़े भाई बहुत अच्छे, जो कि सुना है रात भर आपने, 101 रुपए हृदय से दे रहे हैं। जय हो, हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ बड़े भैया शंभु हलचल जी को। आदरणीय परम श्रद्धे बड़े भाई देवेंद्र तिवारी जी को बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं,
आपका आशीर्वाद सदैव हम बच्चों पर बना रहता है। 101 रुपए हृदय स्वरूप हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। हम आशीर्वाद की सदैव कामना करते हैं, हृदय में नमन वंदन कर रहे हैं। और परम श्रद्धे कृष्ण गोपाल मिश्रा जी खरेला से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 101 रुपए प्रदान हो रहे हैं। हृदय से नमन वंदन है, प्रणाम है। सुनिएगा अटल जी की हृदय से जो आवाज निकली। जुल्मो सितम हम सारे हंस कर सहे क्यों कि देश रहे न चाहिए हम रहे ना रहे। जब ये त्याग तपस्वियों ने किया तो उनकी वाणी तो सत्य होनी ही थी, और हुआ भी ऐसी सरकार बनी। और हमारे भाई संदीप द्विवेदी जी, पूजनीय डॉक्टर साहब जो कि जिनके द्वारा ये आयोजन हुआ है, आपके सुपुत्र हैं, आपकी ओर से 51 रुपए प्रदान किए गए हैं। हृदय से धन्यवाद है, शुभकामना है। सुनिएगा देश रहे ना चाहिए हम रहे ना रहे, ये देश रहे ना चाहिए हम रहे ना रहे। कहना है कि बहते रहो सदा ही निर्मल नीर की तरह। बड़े भैया बहते रहो सदा ही निर्मल नीर की तरह, और इच्छाएं रखो दिल में एक फकीर की तरह। अपने आप को कभी विशेष मत समझो सरगम, अगर समझ लिया वरना कोई 370 हटा देगा कश्मीर की तरह। क्या बात, और पूरे भारतवर्ष में जो छाई हुई हैं बहन क्रांति माला जी, विदेशों में भी विदेशों से फोन आ रहे हैं, सऊदी अरब से बहुत सारे गिफ्ट भी आए हैं। फेसबुक में देखा है बहन क्रांति माला जी, आपकी ओर से 101 रुपए मिले हैं। हृदय से साधुवाद है, नमस्कार है, नमन है। सुनेगा जब अटल जी के पूर्वानुमान के आधार पर उन्होंने कहा एक दिन हमारी सरकार ऐसी बनेगी कोई उसको हिला नहीं पाएगा, वो बनी तब हुआ क्या। हो नोटबंदी ना करो कहीं ऐसा नहीं कि देश में आर्थिक समस्या खड़ी हो जाए,
370 की तो बात छोड़ो, 35 की अगर चर्चा की, घर घर से अफजल्ला निकलने लगे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सरकार जब बनी हुआ क्या, 70 साल से जो मुद्दे पड़े थे बवाल में, सारे के सारे हो गए, सारे के सारे हो गए हल एक साल में। वाला व्यक्ति नेतृत्व करता है तो कोई चिंता की बात नहीं। 70 साल से जो मुद्दे पड़े थे बवाल में, सारे के सारे हो गए हल एक साल में। सारे के सारे हो गए हल एक साल में। और मेरे राम टेंट छोड़, अब मेरे राम टेंट छोड़ महल अपना पाएंगे। सोचा था कभी कैसा होगा? मेरे राम टेंट छोड़ महल अपना पाएंगे। और जिन्हें सब जानते हैं, सुरों के बादशाह, बस उम्र में मुझसे छोटे हैं, बाकी सब में बड़े हैं। हमारे अनुज मुकेश मृदुल जी, आपकी ओर से 101 रुपए मिले हैं। हृदय से साधुवाद है, आशीर्वाद है कि आपका नाम पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड में हो जाए। और भैयान सरगम जी हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे कीर्तन प्रेमी हैं और गाते भी हैं, और बहन क्रांतिमाला जी के शिष्य हैं। आपकी ओर से भी 101 रुपए मिले, हृदय से शुभकामना है सुभाषीष है। सुनेगा हो अपना पाएंगे। फिर भी कुछ लोग कहते हैं क्या, फिर भी लोग कहते अच्छे दिन कब आएंगे। अब इससे भी अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो एक बात और सुनिए। और हमारे भाई रामचरण कुशवाहा जी गुरु भाई हैं, आपकी ओर से ये असीम प्रेम इसने मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। अच्छे दिनों की एक विशेषता और देखें, सारा माल पेल करके
करके सारा माल पेल करके रहते थे केल में। पहले अब मैं ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री की बात कर रहा हूं, कई हैं। सारा माल पेल करके रहते थे केल में, पर सारे के सारे चक्की पीस रहे केल में। को न्याय मिल रहा है और गलत को जेल मिल रही है। मेरी समझ से तो यही अच्छे दिन हैं। मेरे राम टेंट त्याग महल अपना पाएंगे, फिर भी लोग कहते अच्छे दिन कब आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अच्छे दिन यही हैं। अच्छे दिन आए कब? कब? जब ऐसे लोग नेतृत्व में आए कि देश रहना चाहिए हम रहे ना रहे। और ये असीम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद पूजनीय गुरुवर, चूंकि टूटा फूटा लिख तो मैं लेता हूं, लिखने के लिए बैठता हूं, कलम मेरी होती है लेकिन लिखवाते हमारे पूजनीय गुरुवर हैं, लिख जाता है। आपकी ओर से असीम आशीर्वाद मिला है, हृदय से प्रणाम है। और आशीर्वाद तो है ही नहीं तो मैं यहाँ पर होता ना। बस सुनिएगा, अच्छे दिन यही है। पहलवान अच्छे दिन यही हैं, कोई कहे ना कहे ये देश रहना चाहिए हम रहे ना रहे। और यह हमारी छोटी बहन नीलम विश्वकर्मा जी, जो आज पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो चुकी हैं। आपकी ओर से ये 101 रुपए मिले, हृदय से साधुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे आदरणीय हरिनारायण यादव जी जतारा वाले हैं,
जो कि हारमोनियम मेकर बहुत अच्छे हैं, और जो हारमोनियम आप लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप ही के द्वारा बनाई गई है। और हमारी अभी उनसे बात हुई थी कि अपनी हारमोनियम भी उनके पास ले जाने वाले हैं, और शायद चंद्रपुरा के कार्यक्रम में कहा है कि हम बना देंगे आपकी। चलिए, आपकी ओर से एक रुपए मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनिए, अंतिम बात सुनिएगा, बात वही, आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम आप उपस्थित हुए हैं, अंतिम लाइनें इस विषय में हो जाएं, सुनिएगा। हो दिन भी आया कि कीर्तन जगत ये सारा हुआ ग्रहण ग्रस्त है। जैसे ग्रहण लग जाता है उस दिन कैसी कालीमा हो जाती है, और कीर्तन जगत में जब हमारे परम श्रद्धेय गुरुतुल्य पंडित चंद्रभान दीक्षित जी ने अपने शरीर को त्यागा, तब हुआ क्या? कीर्तन जगत ये सारा हुआ ग्रहण ग्रस्त है, लाल चंद्र का वो भान। क्या बात, पूज्य गुरुवर, लाल चंद्र का वो भान हो गया जो आस्त है। जब ऐसी परिस्थिति बनी, सन्नाटा छा गया, सारे स्तब्ध, सारे स्तब्ध अश्रु धार बहने लगी, सारे स्तब्ध अश्रु धार बहने लगी। जब सन्नाटा छा गया, सब रो रहे हैं, और ये हमारे बड़े भाई और हमारे परम सहयोगी मंडल के हैं केशव द्विवेदी जी, सहयोग हमारी पार्टी में करते हैं, लेकिन मुझसे अच्छे गायक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी ओर से ये 501 रुपए आशीर्वाद स्वरूप मिला, हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भाई मुकुंदी हरवार जी, आपकी ओर से 101 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनेगा हुआ क्या? लाल चंद्र का वो भान हो गया जो अस्त है, तब सारे स्तब्ध अश्रुधार बहने लगी। जब कोई कुछ नहीं बोलता है, कल्पना देखिए, तब श्रद्धेय चंद्रभान दीक्षित की आत्मा निकली शरीर से, वो खुद अपनी बात कहने लगी। सारे स्तब्ध अश्रु धार बहने लगी, तो चंद्रभान की वो आत्मा ये कहने लगी।
कि सुनो मेरे मन की, सुनो मेरे मन की, सुनो मेरे मन की बात, हम क्या चाहें। मैं क्या चाहता हूं, क्यों रो रहे हो? मेरे लिए अब अश्रु ना अब बहे। मैं चाहता हूं ये कीर्तन रहना चाहिए, हम रहे कीर्तन रहना चाहिए, हम रहे दरबार की। और ये